नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। बिजली का इस्तेमाल हम सब करते हैं और अगर इसके कामकाज के क्षेत्र यानी बिजली कानून में कुछ भी परिवर्तन होगा तो इसका असर हम सब पर पड़ेगा। आने वाले मानसून सत्र में बिजली कानून में संशोधन की बात कही जा रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप लोगों ने विद्युत मंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इसे संसद में पेश ना किया जाए, तो आप लोग का विरोध क्या है इस बिल को लेकर के और आप लोग की मांग क्या है? देखिए, विरोध के तो जो संशोधन किए जा रहे हैं इसमें विरोध के कई बिंदु हैं, लेकिन जो बेसिक बात है वो हमारा यह कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन हो रहा है और जब एक्ट पूरा का पूरा चेंज किया जा रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो संशोधित मसौदा है उसको अभी तक अपनी वेबसाइट पर भी नहीं डाला, ना किसी स्टेक होल्डर को भेजा है, ना किसी स्टेक होल्डर की उस पर ओपिनियन मांगी है। तो तात्कालिक मुद्दा तो यह है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, चोरी छिपे इतने गुपचुप ढंग से पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बिजली के देश के कानून में परिवर्तन आप करने जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना था तब इलेक्ट्रिसिटी बिल 2001 में जारी किया गया था और 2 साल तक विस्तृत चर्चा हुई थी सभी स्टेक होल्डर्स से। जब मैं स्टेक होल्डर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो स्टेक होल्डर में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली सेक्टर में मैं मानता हूँ बिजली के कंज्यूमर को, बिजली के उपभोक्ता को, यानी कि हम और आप, हम और आप आम जनता, और नंबर 2 पर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो बिजली का कामगार है, बिजली का कर्मचारी, कॉर्पोरेट घरानी नहीं है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर बिजली का कंज्यूमर है, बिजली के कामगार हैं। आप ना उनसे बात कर रहे हैं, ना उनसे ओपिनियन ले रहे हैं, एंड वन फाइन मार्निंग आपने कहा हम संसद में संशोधन लाने जा रहे हैं, तो तात्कालिक विरोध हमारे लिए है। बाकी जो बिंदु उन पर है धीरे धीरे क्रमवार मैं एक एक बिंदु पर अपना विरोध आपको उठाऊंगा। हाँ, आपके चिट्ठी से ये भी लगता है कि साल 2014, 18, 20, 21 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, 20 में 21 दिन का समय दिया गया और 2021 में केवल 14 दिन का समय दिया गया, और अब की बार आप ये कह रहे हैं कि ना तो ये बिल पावर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर है और ना ही इससे इस बिल को लेकर कोई बातचीत की गई है, तो थोड़ा इसको बताइए तो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2014 में जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल रखा गया था तब पीयूष गोयल जी केंद्र सरकार में विद्युत मंत्री थे, हम लोगों को उनसे बातचीत हुई और पीयूष गोयल जी ने कहा कि बिल हम पार्लियामेंट में रख रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट इसको रस थ्रू नहीं करेगी और स्टैंडिंग कमेटी में अपनी बात रखने का आप लोगों को अवसर मिलेगा। लेकिन 2018 में जब केंद्रीय विद्युत मंत्री बदल गए, आरके सिंह साहब विद्युत मंत्री बन गए, तो 2018 में एक नया बिल आया जिस पर कभी बातचीत नहीं की गई, किसी को अवसर नहीं दिया गया। इसी प्रकार से 2020 में 17 अप्रैल 2020 को जब टोटल लॉकडाउन था, पैंडेमिक था, लक्ष्मण रेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा घर के बाहर खींच गई, हम घर के बाहर नहीं निकल सकते और आप इलेक्ट्रिसिटी कानून में संशोधन करने के लिए आपने प्रोट कर दिया। इसी प्रकार से 2021 में बहुत कम दिन का समय दिया गया, आपको जानकारी है, आपने बताया ही, और अब अचानक ये चीज आ गई इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। तो एक सबसे बड़ी चीज है जो गवर्नमेंट को बताना पड़ता था, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ये बताता है कि किसी कानून में हम क्यों संशोधन करने जा रहे हैं। यह इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस मिसिंग है, इनसफिशियंट है। तो यह भी एक बड़ी रहस्यमय बात है कि सरकार इतने गुपचुप ढंग से बिना किसी पारदर्शिता के इसको क्यों करना चाहती है। परमवार उन बिंदुओं को बता दीजिए जिनको लेकर के आप लोगों की आपत्तियां हैं इस मसौदे पर। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 था उसमें यह प्राविधान था कि एक क्षेत्र में एक से ज्यादा बिजली कंपनियों को बिजली आपूर्ति करने का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और बिजली आपूर्ति का लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमारा बड़ा इतराज उस पर भी था, 2 व्हीलर ड्राइव करने के लिए लाइसेंस चाहिए और बिजली जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामले में, जो बहुत जटिल मामला है,
और सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें आप लाइसेंस समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो मसौदा आया है 2022 का, उसमें लिखा है लाइसेंस नहीं समाप्त होगा, लेकिन एक ही क्षेत्र में एक से ज्यादा कंपनियों को बिजली वितरण का, बिजली आपूर्ति करने का लाइसेंस दिया जाएगा। और इसको कहा है केंद्र सरकार ने कि हम कंज्यूमर को च्वाइस देने जा रहे हैं। अभी मैं बातचीत के जरिए आपको बड़ी सरल भाषा में यह बात समझाऊंगा कि यह च्वाइस कंज्यूमर का नहीं है, यह च्वाइस बिजली आपूर्ति कंपनियों का च्वाइस है। तो पहली बात तो यह है कि एक क्षेत्र में एक से ज्यादा कंपनियां काम करेंगी तो कैसे काम करेंगी। उसमें लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट की कंपनी का है, अभी जैसे हम बिजली देते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट की विद्युत वितरण कंपनियां देश के सभी हिस्सों में है, दो तीन शहरों को छोड़ के, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, अहमदाबाद, इन चार शहरों को छोड़ दें, गांधीनगर, तो देश के संपूर्ण देश में बिजली का वितरण सरकारी कंपनियां करती हैं। उनका अपना नेटवर्क है, सब स्टेशन है, ट्रांसफार्मर है, स्विच गियर है, लाइनें हैं, इन सब पर अरबों खरबों रुपए हम लोगों ने खर्च किया है। और इसके मेंटेनेंस पर करोड़ हजारों करोड़ रुपए प्रति माह इसके मेंटेनेंस पर खर्च होता है। अब ये अमेंडमेंट बिल कहता है कि जो नई वितरण कंपनियां आएंगी एक ही क्षेत्र में कई, वह सरकारी जो वितरण कंपनी का ढांचा है, नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका वह इस्तेमाल करेगी और उसको व्हीलिंग चार्जेस नहीं, व्हीलिंग चार्जेस का मतलब मात्र कुछ किराया। तो यह सिम कार्ड जैसी, टेलीफोन जैसी चीज नहीं है, जो टेलीफोन का सिस्टम है वो वायरलेस है, इसमें सारी कीमत ही वायर की है, बिजली का क्षेत्र वायरलेस नहीं है। अगर कंज्यूमर का लोड बढ़ जाता है, एक एयर कंडीशनर कंज्यूमर बढ़ा लेता है, तो हमारे सब स्टेशन की कैपेसिटी हमें रिवाइव करनी पड़ती है, उसको ऑगमेंटेशन करना पड़ता है, उस कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी पड़ती है, कई बार नए ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि यह सारे काम तो सरकार की कंपनी करेगी, क्योंकि तो सरकारी वितरण कंपनी के पास ये ढांचा बना रहेगा, और इस ढांचे से मात्र कुछ व्हीलिंग चार्जेस देके मुनाफा कमाने का काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी। इस बात पर हमारा कड़ा ऐतराज, इस बात को स्पष्ट होना चाहिए कि आज के बाद जो कैपेसिटी बढ़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की, जो ऑगमेंटेशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की, तो उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए प्राइवेट कंपनियों की जो आ रही है बिजली आपूर्ति करने के लिए इसी इसी ढांचे के जरिए। तो बड़ा साफ उसमें लिखा हुआ है कि यह विद्युत वितरण कंपनियां जो एग्जिस्टिंग हैं, मौजूदा हैं, उनके लिए अनिवार्य होगा कि नई आने वाली कंपनियों को अपने नेटवर्क को बिना शर्त इस्तेमाल करने की अनुमति दे, अब अपने अपने नेटवर्क। तो एक आपत्ति तो हमारी यह है। दूसरी आपत्ति यह है जो जैसे वो कह रहे हैं कि एक ही क्षेत्र में कई कंपनियां आ जाएंगी, तो सिम कार्ड की तरह कंज्यूमर को यह च्वाइस होगा, यह च्वाइस कंज्यूमर को नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमेंडमेंट बिल यह कहता है कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट की कंपनी के पास है। यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन का क्या अर्थ है, आम जनता की भाषा में ये कहें तो एक क्षेत्र विशेष में जिस कैटेगरी का भी कंज्यूमर चाहे बिजली मांग सकता है और उसको बिजली देने की बाध्यता हमारी है, आज भी है। कंज्यूमर्स की कैटेगरी कई है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है जो मुनाफे वाले हैं, कमर्शियल कंज्यूमर है जो मुनाफे वाले हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर है 400 यूनिट तक जो बिजली का उपभोग करते हैं, वहां भी हमें घाटा होता है, और जो फार्म सेक्टर के कंज्यूमर है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर है, उनको बहुत सस्ती दरों पर हम लोग बिजली देते हैं। तो यूनिवर्सल पावर सप्लाई एप्लीकेशन यानी सबको बिजली देने की बाध्यता यह केवल सरकारी कंपनी की होगी, जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी उनकी यह बाध्यता नहीं होगी। तो स्वाभाविक है कि प्राइवेट कंपनियां नेटवर्क हमारा इस्तेमाल करेंगी और बिजली वहां देंगी जहां उनको मुनाफा हो रहा होगा, यानी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को बिजली देंगी, कमर्शियल कंज्यूमर्स को बिजली देंगी, और घाटे वाले जो कंज्यूमर हैं उनको मना कर देंगे कि हम आपको बिजली नहीं देते, आपको कनेक्शन नहीं देते। तो दरअसल ये च्वाइस सप्लायर का होने जा रहा है, च्वाइस कंज्यूमर का नहीं होने जा रहा। इसका फॉलोआउट क्या होगा, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अभी दो शब्द हैं बिजली के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक सब्सिडी और दूसरा शब्द है क्रॉस सब्सिडी। सब्सिडी किसको कहते हैं, बिजली की एक लागत होती है,
उपभोक्ता के दरवाजे तक बिजली पहुंचाने की एक लागत आती है। उस लागत से कम मूल्य पर हम जिन उपभोक्ताओं को बिजली देते हैं उसको कहते हैं सब्सिडाइज्ड हम कर, और लागत से अधिक मूल्य पर जिनको हम बिजली देते हैं उससे जो मुनाफा हमें होता है वह पार्शियली सब्सिडाइज करता है उन घाटे को, उसको क्रॉस सब्सिडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जिस तरीके से लाया जा रहा है, जब प्राइवेट कंपनियां किसी एक क्षेत्र में 4-5 कंपनियां और आ जाएंगी और वो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कंज्यूमर्स को हमसे छीन लेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी विद्युत वितरण कंपनियां होंगी वो बाय डिफॉल्ट लॉस मेकिंग कंपनी होगी, क्योंकि उनके पास जो कंज्यूमर बचेंगे वह केवल किसान बचेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन बचेंगे, 300-400 यूनिट तक बिजली जलाने वाले डोमेस्टिक कंज्यूमर बचेंगे। तो आर्थिक स्थिति उन वितरण कंपनियों की खस्ता हो जाएगी, उनके पास बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, और जो खेल खेला गया है BSNL के साथ वही खेल सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों के साथ खेला जा रहा है। यह कहा जाएगा क्योंकि यह विद्युत वितरण कंपनियां विफल हो गई लोगों को बिजली देने में तो इनका नेटवर्क भी प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर कर दिया, तो यह वही स्टोरी दोहराई जा रही है। इस कारण से हमारा सख्त इतराज इस बात पर, और यह कुल मिला जुला कर कहा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि विद्युत वितरण का जो भी क्षेत्र है वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई है, है ना? तो अब थोड़ा मैं आपसे पूछूं, हाँ मैं रुकूंगा आपको, बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन भी क्या है? प्राइवेटाइजिंग द प्रॉफिट्स एंड नेशनलाइजिंग द लॉसेस, यानी मुनाफे का निजीकरण हो रहा है और घाटे का राष्ट्रीयकरण। मैंने समझाया ना आपको, जब मुनाफे का निजीकरण हो रहा है यह आपत्ति क्या? अब थोड़ा सा एकदम मतलब हम पे और आप पे जो बिजली दरें हैं क्या वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर इसको अपनाया जाता है तो, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें उदाहरण से आप बताएंगे कहीं जहां पर इसको इस्तेमाल किया गया। जी मैं आपको बता रहा हूँ, जो है इसमें 61G जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 61G में संशोधन करने जा रहे हैं, और 61G में जो संशोधन करने जा रहे हैं वह संशोधन ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट जो है वह पूरी कास्ट वसूली जानी चाहिए, और कास्ट में का अर्थ वो लिख रहे हैं ऑल द प्रूडेंट कास्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग। तो बिजली की लागत जैसे आज मैं चर्चा करूं तो पूरे देश के पैमाने पर बिजली की लागत करीब 7.45 रुपये प्रति यूनिट है आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर। यह होती लागत का मतलब फिर मैं बता दूं, लागत का अर्थ होता है उपभोक्ता के दरवाजे तक बिजली पहुंचाना, जिसमें जनरेशन की कास्ट भी है, ट्रांसमिशन की कास्ट भी है, डिस्ट्रीब्यूशन की कास्ट भी है, लाइन लॉसेस भी है, और जो थेफ्ट कहीं कहीं हो रहा है वह एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है। एक मिनट मैं आपको रोक दूं थोड़ा, आप इसको बताते चलेगा सिंपल शब्द में, जो जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कहाँ पर है, प्राइवेट सेक्टर कहाँ पर है, प्राइवेट सेक्टर कब आया है, क्या स्थिति रही है, इसको भी थोड़ा बताते चलिएगा अपनी बात में, कहिए। देखिए जनरेशन जो होता है इसमें प्राइवेट सेक्टर सभी में शुरू से रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में यह प्रोविजन किया गया कि बिजली के जनरेशन के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, इसके पहले बिजली के जनरेशन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। अब लाइसेंस की आवश्यकता बिजली में केवल हाइड्रिक जनरेशन की है और न्यूक्लियर जनरेशन की, थर्मल जनरेशन की, गैस जनरेशन के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। जब लाइसेंस समाप्त कर दिए गए तो प्राइवेट कंपनियां बड़े पैमाने पर आ गई। आज पूरे देश में लगभग 4 लाख मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता है, जिसमें से 2,90,000 मेगावाट केवल थर्मल की क्षमता, 2,90,000 थर्मल की और हाइड्रिक की क्षमता है। इस 1,10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी। तो 2,90,000 की जो क्षमता है उस क्षमता में आज की तारीख में 1,00,000 मेगावाट से अधिक यह निजी क्षेत्र का उत्पादन है, उसके बाद राज्यों का सबका मिला के उत्पादन है, और तीसरे नंबर पर NTPC का उत्पादन। तो आज की तारीख में प्राइवेट कंपनियों का उत्पादन देश में सबसे ज्यादा है,
और प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाती बिजली बेचती हैं, एनटीपीसी भी थोड़ा सा मुनाफा कमाती है, लेकिन जो राज्य के बिजली उत्पादन ग्रह हैं वह 9 लाख 9 प्रतिशत पर बिजली देते हैं, क्योंकि वो राज्य के उत्पादन ग्रह हैं, 100% इक्विटी उसमें गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट अपने ढंग से उसको चलाती है। तो बिजली उत्पादन में निजीकरण बढ़ने के बाद बिजली की लागत बढ़ी। दूसरी बात, ट्रांसमिशन उस प्रणाली को कहते हैं जब बिजली घर से बिजली निकलती है, तो आम लोगों ने देखा होगा ऊंची ऊंची टावर्स होती हैं, बहुत ऊंची, उनको ट्रांसमिशन टावर कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन उनको कहते हैं, वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होती है, 4 लाख वोल्टेज होंगी या 7 लाख 65 हज़ार वोल्टेज होंगी, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा बिजली एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, उतना ही बिजली का क्षरण कम होगा, बिजली का लॉस कम होगा, इसलिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों से उस जनरेशन की बिजली को लाया जाता है। लेकिन जो कंज्यूमर का घर होता है उस पर उतने वोल्टेज पर बिजली नहीं दी जा सकती, कंज्यूमर को 220 वोल्ट पर हम बिजली देते, तो फिर वो 33 kV सबस्टेशन तक ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन करते हैं, और 33 kV सबस्टेशन से जब कंज्यूमर के दरवाजे पर आती है बिजली, तब वो 220 वोल्ट पर हम उसको बिजली को मुहैया करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में जो खर्च आता है वह जनरेशन कास्ट में जोड़ दें तो बिजली की लागत उसको कहते हैं कास्ट टू सर्व, यानी उपभोक्ता के दरवाजे तक बिजली की कितनी लागत है। आज पूरे देश में बिजली की जो खरीद है, एवरेज परचेज है, वह करीब 5 रुपये/kWh है, और जो लागत आती है बिजली की कंज्यूमर के दरवाजे पर वह लगभग 7 रुपये/40 पैसे से 7 रुपये/50 पैसे। तो अब ये अमेंडमेंट बिल ये कहता है कि धीरे धीरे सब्सिडी समाप्त करते और उसका रोड मैप भी देंगे। कौन रोड मैप देगा? ये एक्ट नहीं दे रहा, ये कह रहे हैं उसका रोड मैप रेगुलेटरी कमीशन देंगे और मिनिस्ट्री ऑफ पावर देंगे। तो हमारा ये भी इतराज है कि आप एक्ट में इतना बड़ा संशोधन कर रहे हैं जिसका कंज्यूमर पर दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है, तो एक्ट में ही ये बताइए ना कि सब्सिडी कैसे खत्म करेंगे आप। वन फाइन मार्निंग ये हो जाए कि अब सब्सिडी समाप्त हो गई, अब 7.5 रुपये से कम की बिजली किसी को नहीं मिलेगी, तो जो किसान है वह तो रातों रात मारे जाएंगे, क्योंकि किसान का मंथली बिल अगर कोई 5 हॉर्स पावर की मोटर भी चला रहा और 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में चलाता है पर डे, तो 7.5 रुपये के हिसाब से उसका मंथली बिल 15,000 से 20,000 पर करना है। कोई किसान मंथली बिल नहीं दे सकता। केंद्रीय विद्युत मंत्री ये कहते हैं कि हम DBT कर देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे गैस में होता है, तो गैस आदमी कितने की खरीदता है, अब 1,000 रुपये दाम हो गया, देखते देखते क्या 20,000 रुपये का DBT 20,000 रुपये किसान के पास होगा, तब तो उसका भुगतान करेगा, DBT जब होगा तब होगा, तो किसान की तो पहले बिजली कट जाएगा, तो इसका कंज्यूमर पर सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है, हर कैटेगरी के कंज्यूमर पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन है, चाहे फार्म सेक्टर के कंज्यूमर, तो बड़ा विपरीत प्रभाव, एडवर्स इम्पैक्ट इसका पड़ने जा रहा है। ये बात की पूरे बात से मुझे ये समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ट्रांसमिशन और जनरेशन केवल जो ये जो कंपनियां आ रही हैं ये क्या केवल मीटर लगा करके पैसा कमाएंगे क्या, और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर है ना। बिल्कुल ठीक बात पकड़ ली, क्योंकि जो कंपनियां आएंगी नेटवर्क हमारा होगा, जैसे मेरे घर के बाहर से या आपके घर के बाहर से बिजली की लाइन जा रही है, वह लाइन वो नेटवर्क तो सरकारी कंपनी का ही होगा, और बिजली के खंभे से जिस तार से बिजली हमारे घर में आती है उसको सर्विस केबिल कहते हैं, वो उस सर्विस केबिल का पैसा कंज्यूमर देता है, वो भी प्राइवेट कंपनी का नहीं है, प्राइवेट कंपनी का केवल मीटर होगा और उसकी केवल खंभे, केवल पैसा वसूलना और मीटर, केवल पैसा वसूलना, और वह भी मुनाफे वाले क्षेत्र में, ठीक बात, क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी घाटे के क्षेत्र में बिजली देने क्यों आएगी। तो ये आपने तकरीबन तकरीबन एक और सवाल जो आपसे बनता है, क्योंकि आपने एक बात कही थी कि कामगार पर भी इसका असर पड़ेगा, ये बात छूट गई थी, थोड़ा इसको बताएंगे। इस प्रकार से इसका असर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आज किसी बिजली वितरण कंपनी में 50,000 बिजली कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो 50,000 बिजली कर्मचारी काम कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह राज्य के सभी उपभोक्ताओं को बिजली देते हैं। अब जब 4-5 प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी, तो प्राइवेट कंपनियां कुछ क्षेत्र हमसे छीन लेंगी,
तो हमारा वर्किंग एरिया कम हो जाएगा। जब वर्किंग एरिया कम हो जाएगा देन इट विल लीड टू रिटेंशन। और इसके पहले जो दुष्प्रभाव पड़ेगा कर्मचारियों का वह फाइनेंशियल का, क्योंकि बाई डिफॉल्ट मैंने आपको कहा सरकारी क्षेत्र की कंपनी घाटे वाली कंपनी बन जाएगी, वह केवल उन्हीं कंज्यूमर्स को बिजली देगी जहां से घाटा होगा। तो पहला दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि लोगों की पे डिले होगी, कई राज्यों में अभी भी डीए नहीं मिलता, दो दो तीन तीन किस्तें डिले मिल रही है, डीए टाइम से नहीं मिलेगा और हालत खराब होते जाएंगे, सिक हो जाएंगे, सरकारी विद्युत वितरण कंपनियां सिक हो जाएंगी। तो कर्मचारियों पर दोहरी तलवार लटकी, उनके वेतन और पेंशन रुकने की भी तलवार लटकेगी और उनके रिट्रेंचमेंट की उनकी छंटनी की तलवार लटकेगी। अब आपसे अंतिम सवाल कि बहुत जटिल मामला है, अगर आप कुछ और कहना चाहते हो जो मेरे सवाल से ना पूछ पाया हूं और आप उसको बताना चाहते हो तो बता दीजिए। कि बिजली अब एसेंशियल कमोडिटी नहीं, बिजली एसेंशियल सर्विस है। बिजली के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको अभी गैस बुक कराना है तो मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोबाइल की चार्जिंग बिजली की थ्रू होगी। अगर आपको वैक्सीनेशन कोरोना का करवाना है तो आपको मोबाइल पर जाना पड़ेगा, अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो मोबाइल पर जाना पड़ेगा। तो बिजली एक आवश्यकता है, यह कोई व्यवसाय की चीज नहीं है भारत के लिए, बिजली एक एसेंशियल सर्विस है। तो जो एसेंशियल सर्विस है उसमें इतने दूरगामी परिवर्तन, पूरा कानून अगर उसका आप बदलने जा रहे हैं तो पूरे देश में इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और हर क्षेत्र के कंज्यूमर को, खास करके जो गरीब है, जो किसान है, उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 नवंबर 2021 को कृषि कानूनों को वापस लिया था, उसके बाद संजय अग्रवाल जी जो तत्कालीन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे को एक पत्र लिखा और उस पत्र में दो वायदे किए गए थे। पहला वायदा था कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जाएगी और दूसरा वायदा था कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल बिना किसानों से और बिना सभी स्टेक होल्डर से चर्चा किए बिना पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे, यह उसका उल्लंघन हो रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री के स्तर से जो वायदा किया गया है क्या उसका उल्लंघन उचित है, यह कदापि उचित। बहुत जरूरी बात कही आपने कि बिजली एक आवश्यकता है और उसमें अगर कोई परिवर्तन होगा तो उसके दुर्गामी परिणाम पड़ेंगे, इसलिए बात सबसे करनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इसने जटिल विषय पर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, आप हमारे ट्विटर पेज और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।